नमस्कार, रियल एस्टेट टीवी के इस खास शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कि ये साल आपके लिए मंगलमय हो और आप सभी इस साल अपने नए घर में जाएं या रियल एस्टेट में निवेश करके इस साल खूब मुनाफा कमाएं। खैर, 2014 आ गया है, साथ में लाया है ढेरों नई उम्मीदें। क्या इस साल इकोनॉमी और उसके साथ साथ रियल्टी सेक्टर में भी रिवाइवल दिखेगा? क्या रियल एस्टेट के लिए नया रेगुलेटर बनेगा? और क्या रीट्स के शुरू होने से निवेश का एक नया मौका मिलेगा? क्या डेवलपर्स के फाइनेंशियल हालात में सुधार होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इस साल आप खरीद पाएंगे अपने सपनों का घर? नए साल में रियल एस्टेट टीवी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ कविता कृष्णन। आज देखेंगे नए साल में सेक्टर पर कौन से कानून, कौन से इवेंट सबसे ज्यादा असर कर सकते हैं। साथ ही करेंगे ग्रीन या सस्टेनेबल मकानों पर खास चर्चा। पर सबसे पहले देखेंगे इस हफ्ते की हमारी बिग स्टोरी। 2014 रियल्टी सेक्टर के लिए मेक और ब्रेक ईयर माना जा रहा है। फिलहाल सबकी नजरें आने वाले आम चुनावों पर टिकी हुई है, जिसके बाद इकोनॉमी में सुधार होने की उम्मीद है। लेकिन इसके अलावा नए साल में कई ऐसे कानून बन सकते हैं जिससे रियल्टी सेक्टर का काया पलट हो सकता है। आज से नोटिफाई हो चुका है, गजट में छप चुका है और आज से हमारे सारे देश में ये नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होगा। नए साल के पहले ही दिन सरकार ने नए जमीन अधिग्रहण कानून की अधिसूचना जारी कर दी। अब ग्रामीण इलाकों में अधिग्रहण पर जमीन मालिक को कीमत का 4 गुना हर्जाना और शहर में कीमत का 2 गुना हर्जाना मिलेगा। इसके लागू होने के साथ ही 120 साल पुराना कानून खत्म हो गया है। जाहिर तौर पर इस कानून का रियल्टी सेक्टर पर असर होगा। डेवलपर्स तो ये मानते हैं कि इससे जमीन के दाम बढ़ेंगे और मकानों की कीमत भी। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस कानून का असर 3 से 4 साल में ही दिखेगा। वैसी स्थिति में अभी तो उसका तुरंत प्रभाव नहीं पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी पुराने हैं या कुछ लैंड होल्डिंग्स भी लोगों के पास हैं। लेकिन आने वाले समय में जब लैंड का एक्विजिशन टफ हो जाएगा या इवन प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको भी लैंड बाइंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी आरएनआर पॉलिसी के कारण या बड़े प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सप्लाई घटेगा, ऐसी स्थिति में प्राइसेस का बढ़ना लाजमी है। रियल एस्टेट पे आप देखें तो हमारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये लार्जली सिटी की सेंट्रिक हैं। जो लैंड एक्विजिशन बिल है ये है पेरिफेरी या रूरल एरियाज के अंदर। सो अभी तो बहुत समय है हमें वहां तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले इम्पैक्ट आपको पड़ेगा इंडस्ट्रीज को, फिर जाके रियल एस्टेट को। दरअसल 2013 में कई कानून और बदलावों की नींव रखी गई है जिसका असर नए साल में दिखेगा, जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश को अनुमति देना। इसके तहत सरकार ने ब्रिटिश रिटेल कंपनी टेस्को के निवेश को मंजूरी भी दे दी है और खबर है कि इसके बाद कई विदेशी रिटेल कंपनियां भारत आने की होड़ में है। जाहिर बात है इससे रिटेल रियल एस्टेट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। हालांकि पूरी सेक्टर की नजरें अब रीट्स पर टिकी हुई हैं। सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन 2013 में जारी की थी। अब अगर रीट्स को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो कमर्शियल रियल एस्टेट बना रहे बिल्डर और उसके निवेशकों को राहत मिलेगी, साथ ही सेक्टर में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी न्यूज है, बिकॉज काफी डेवलपर्स जो कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके चिंतित हैं वो लीजिंग करके अपना पोर्टफोलियो को स्पिन ऑफ कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं अपनी कैपिटल को और उसको अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। वो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में शायद $2 बिलियन से $4 और $5 बिलियन हो जाए। छोटे इन्वेस्टर के लिए रीट्स एक बड़ा अच्छा माध्यम रहेगा जब वो एक मैच्योर फॉर्मेट में आ जाएगा, बिकॉज आप 1 लाख रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स के आने से सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और साथ में अगर रेगुलेटर भी बन जाता है तो ग्राहक और निवेशक दोनों को ही काफी राहत मिलेगी। हालांकि 2014 में रियल्टी के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर रहेगा चुनाव और उसके नतीजे। अगर उम्मीद के मुताबिक स्थिर सरकार बनती है तो इकोनॉमी चल पड़ेगी और साथ ही रियल्टी सेक्टर की भी किस्मत चमक जाएगी। सेक्टर के जानकार ब्रोकरेज हाउस एकमत है, साल 2014 का पहला हिस्सा ठंडा रहेगा, सारा एक्शन दूसरे हिस्से में दिखेगा और शायद इसी वक्त में रियल्टी सेक्टर में भी पिकअप होगा। चूंकि ये साल इकोनॉमी के लिए रियल्टी सेक्टर के लिए इतना अहम है, हमने कुछ और एक्सपर्ट्स की राय लेना भी जरूरी समझा, जो सीधे तौर पर इस सेक्टर से तो नाता नहीं रखते हैं लेकिन उनकी राय या प्रेडिक्शंस को हजारों लोग काफी सीरियसली लेते हैं। हमने बात की जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट संजय बी जुमानी से, चलिए देखें उनका क्या मानना है
कैसा रहेगा 2014 रियल्टी सेक्टर के लिए? दिस इज द राइट टाइम. अभी जो प्राइजेस आपको मिलेंगे नेक्स्ट ईयर मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगे. राइट टाइम टू बाय. जानकारों का कहना है 2-3 साल लग सकता है, लेकिन मुझे खाली अपने नंबर्स के हिसाब से चलना है. तो 2015 से हमें 8 नंबर मिलता है. 8 नंबर जो है शनि का नंबर है, विच इज लिंक्ड विद प्रॉपर्टी. तो आई थिंक 1 साल तो लगेगा. लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, आगे बताएंगे 2014 में कहाँ करें निवेश और देखेंगे कैसे ग्रीन होम्स खरीदने से हो सकता है आपको फायदा. बने रहिए हमारे साथ. नए साल में रियल एस्टेट टीवी का पहला एपिसोड. नया साल यानी नई शुरुआत. हालांकि ग्रीन या सस्टेनेबल हाउसिंग का ट्रेंड कुछ सालों से चलता आ रहा है, पर अब ये चलन काफी जोर पकड़ रहा है. ग्रीन हाउसेस खरीदने से न सिर्फ आप दुनिया को बचाने में मदद करते हैं, बल्कि इको फ्रेंडली होम्स आपकी बचत भी कराते हैं. तो नए साल में कैसे घटाएं अपना कार्बन फुटप्रिंट, कैसे बढ़ाएं अपना ग्रीन कोशेंट, चर्चा करने के लिए हमारे साथ शामिल है मशहूर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी JLL के रिसर्च हेड आशुतोष लिमये और दिल्ली से जुड़ रहे नेशनल हाउसिंग बैंक के चेयरमैन RV वर्मा. आप दोनों का स्वागत है. आशुतोष, आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए ग्रीन होम्स या एनर्जी एफिशिएंट होम्स खरीदने से क्या फ़ायदे हैं? ग्रीन होम्स का मतलब है एनवायरमेंट फ्रेंडली होम्स, और इसका एक और मतलब यह है कि रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. तो शुरू में हालांकि थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उसमें अच्छी खासी सेविंग्स आपको मिलती है. नॉट ओनली द मॉनिटरी बेनिफिट, बट इट हेल्प्स इन कंट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल रीजंस. सो ये दो मैं मेन बेनिफिट समझता हूँ, एक्चुअल कॉस्ट सेविंग्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, कि आप यदि ग्रीन होम खरीदते हो. जी तो वर्मा जी, अगर ग्रीन होम्स खरीदते हैं तो कितनी बचत हो सकती है इसमें? तो ओवरऑल कमर्शियली या इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली कहें तो इससे जो बायर को है उसको बहुत फ़ायदा होगा. और ये देखा गया है आमतौर पे कि जिस तरह की एनर्जी इक्विपमेंट्स, एनर्जी सेविंग या एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, जिसके वजह से एनर्जी कंजम्पशन में बहुत कमी आती है, उसके वजह से उनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं और जो पेमेंट करने होते हैं उसके अगेंस्ट, उसमें काफ़ी कुछ कमी आ जाती है. और हालांकि शुरू में थोड़े ये एनर्जी एफिशिएंट हाउसेज थोड़े कॉस्टली ज़्यादा हो सकते, मार्जिनली हायर कॉस्ट पे होंगे, लेकिन इसकी जो पेबैक पीरियड होती है वो जल्दी हो जाती है. और 5 साल आमतौर पे 4-5 ईयर्स कहे जाते हैं कि सो उसमें उनकी पेबैक अच्छी खासी आ जाती है. और ओवरऑल उसके बाद से इट्स बोनस फॉर दी बायर्स. आशुतोष, जहाँ तक हमने देखा है ऐसे घर ज़्यादातर लग्जरी सेगमेंट में ही बन रहे हैं, तो क्या अफोर्डेबल सेगमेंट में या मिड सेगमेंट में ग्रीन होम्स नहीं बन रहे हैं? दूसरे सेगमेंट्स में भी अभी दिखने लगे हैं. इट स्टार्टेड विथ लग्जरी होम्स, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कुछ डेवलपर्स हैं स्पेशली जो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, ये डेवलपर्स ग्रीन होम्स, MIG होम्स या सम ऑफ देम आर मेकिंग ग्रीन होम्स इवन इन द अफोर्डेबल सेगमेंट. तो धीरे धीरे ये अक्रॉस डिफरेंट बजट्स ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन आज की डेट में अभी भी लग्जरी होम्स में इसका परसेंटेज ज़्यादा है. भारत के कौन से लोकेशंस में ग्रीन होम्स बन रहे हैं? कर्नाटका में बेंगलोर एंड एनवायरन्स, NCR, खास करके गुड़गांव और नोएडा, मुंबई एंड एक्सटेंडेड सबर्ब्स. आई वुड प्लेस दीज थ्री एज द टॉप थ्री ज्योग्राफीज जहाँ पे ज़्यादा ग्रीन होम्स बन रहे हैं. वर्मा जी, NHB ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस भी कर रहा है, आपने अब तक कितना फाइनेंस मुहैया कराया होगा ग्रीन होम्स के लिए? हम लोगों ने जो फंडिंग किया है वो करीब करीब एक तरह से क्लोज टू 300 करोड़ वर्थ ऑफ इंडिविजुअल लोन्स की ऑलरेडी हम लोगों ने हमने डिसबर्स किए हैं, और ये अक्रॉस दी सिटीज़ हैं, बेंगलोर, पुणे, NCR रीजन, बड़ौदा, नागपुर, इन सब शहरों में हम लोगों ने फाइनेंस किए हैं. आशुतोष, ये बताइए कि कस्टमर इसकी वैलिडिटी कैसे चेक करे? जब कोई डेवलपर कहता है कि वो ग्रीन होम्स बना रहा है, कस्टमर कैसे जाने कि वो असलियत में ग्रीन है कि नहीं है? देखिए, कोई भी ग्रीन होम प्रोजेक्ट वाकई में ग्रीन होम प्रोजेक्ट है या नहीं, ये वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है. मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको सर्टिफिकेशन अपॉन कंप्लीशन मिलता है, और ये जो सर्टिफिकेशन है वो एक पीरियडिक फ्रिक्वेंसी पे आपका अपडेट होता रहता है आफ्टर द ड्यू अप्रोप्रिएट ऑडिट,
क्योंकि ग्रीन होम्स का मतलब ये नहीं है कि एक बार कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तो ये सर्टिफिकेट आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगा. इसका बाकायदा रिन्यूअल करना होता है. एंड ये जो प्रोसेसेस हैं, जो एफिशिएंसीज हैं, एनर्जी सेविंग्स हैं, ये आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करनी होती है. मैक्सिमम डेवलपर्स सर्टिफिकेशन कंप्लीशन पे आपको दिखाते हैं. वेरी फ्यू डेवलपर्स हैव गॉट अ प्री अप्रूवल कि ग्रीन होम्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इट्सेल्फ दे क्वालिफाई. उसके एक अलग प्रोसीजर है, एक स्ट्रिंजेंट फॉलोअप उसका होता है. और ये जो ऑडिट एजेंसीज होती हैं वो एट डिफरेंट स्टेजेस वो सर्टिफिकेशन डेवलपर को देती है. तो होम बायर्स को ये डेवलपर्स से वो सर्टिफिकेशन कॉपी देखनी चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन में प्री ऑक्यूपेशन यदि कोई क्लेम करता है कि प्रोजेक्ट ग्रीन होम प्रोजेक्ट है, आफ्टर कंप्लीशन ऑडिट होगा, उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपको वैसे भी मिल जाएगा. वर्मा जी, जब आप फाइनेंस करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को तो आप कौन से सर्टिफिकेशंस एक्सेप्ट करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो संस्था है वो टेरी और जो बाहर की फ्रॉन्टफाइन स्टडी सभी मिल करके हम लोग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स उसकी तय कर रहे हैं. सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उनके अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ इस तरह के बेंचमार्किंग हैं, लेकिन उसके जरिए ये जो लीड या जो ग्रीन होम्स की सर्टिफाइंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एक गृह है, तो ये सब टेरी प्रमोटेड या सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं. तो इन सभी का एक मान्यता है मार्केट में और इंडिविजुअल्स में अवेयरनेस अभी बिल्ड करी जा रही है. वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंडिविजुअल्स में एक अवेयरनेस बिल्डिंग कैंपेन हम लोग कर रहे हैं. वी आर डूइंग इट ग्रेजुअली बट एट द सेम टाइम वो सप्लाई साइड भी हम मानकर चल रहे हैं कि सप्लाई साइड भी ये होनी चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए और मार्केट में ये कैपेसिटी हो कि उस तरह की एनर्जी एफिशिएंट होम्स, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स लोगों तक पहुंचा पाए. जी, कीमत की बात करते हैं. हमने सुना है कि ग्रीन होम्स सामान्य मकानों से ज्यादा महंगे हैं. आशुतोष, कॉस्टली जरूर होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखेंगे तो इट्स वर्थ इट. कॉन्सेप्ट ये है कि आपको शुरू में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है ग्रीन होम्स की जो सिस्टम्स हैं, जो मटेरियल्स हैं या टेक्नोलॉजी है या जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं, उसके लिए आपको थोड़ा अपफ्रंट ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा. लेकिन जो आप इवेंचुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में सेविंग्स करोगे अगले 5-10 साल में, उससे आपको वो कॉम्पेंसेशन डेफिनेटली मिल जाएगा. यदि हम देखें कि कितना अपफ्रंट आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो ये 1-2% से ऊपर नहीं होगी अगर ये बेसिक ग्रीन सर्टिफिकेशन वाले प्रोजेक्ट में आप घर लेते हो. तो क्या मेंटेनेंस रिपेयर्स में ज्यादा खर्च होगा? नहीं, उल्टा मेंटेनेंस कॉस्ट में सेविंग्स होंगी आपकी, क्योंकि जो भी फिक्स्चर्स या सिस्टम्स पहले इंस्टॉल किए हैं अंडर द ग्रीन होम गाइडलाइंस, वो ड्यूरेबल होते हैं, क्रेडिबल होते हैं, और उसकी मेंटेनेंस अच्छी होती है. क्योंकि आपको यदि सर्टिफिकेशन रिन्यू करना है आफ्टर द पीरियडिक ऑडिट, यू हैव टू मेंटेन दोज सिस्टम्स वेल. तो ये आपका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस अच्छा होने के कारण आपको जो कॉस्ट होती है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, वो हमेशा कंट्रोल में रहती है. तो मैं नहीं समझता कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी बढ़ती है, उल्टा आपको उसमें सेविंग्स मिलती हैं. वर्मा जी, ये बताइए, ग्रीन होम अगर हम खरीदते हैं तो क्या होम लोन पर आप किसी तरह का रियायत देते हैं? हाँ, ये एक्चुअली जो अभी नए घर बन रहे हैं और ग्रीन होम्स बन रहे हैं, उसमें तो प्रावधान है कि लोगों को अच्छे टर्म्स पे उनको लोन मिले. और हम लोग जो बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के माध्यम से लोन आगे पहुंचा रहे हैं, तो इन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को भी हमने इंसेंटिव दिया है कि हम इनको लोअर इंटरेस्ट रेट पे रिफाइनेंस करेंगे, और जो कि इनको पास ऑन करना चाहिए टू द अल्टीमेट बायर्स ऑल्सो. तो एक तरह से इंसेंटिव बन रही है. लेकिन अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि खास करके नए जो घर बन रहे हैं उसमें इसका प्रावधान इंश्योर करना ज़्यादा ईजियर है, रादर दैन कि वो एक जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसको हम ग्रीन होम्स में बदलें तो और उसमें फिर लोन की जरूरत होगी. वो भी उसका भी प्रावधान है हमारे स्कीम में, लेकिन अभी उसमें उस तरह की स्केलिंग अप नहीं आई है, उस तरह की ट्रैक्शन नहीं आई है. सो वो मार्केट अभी एक्सपैंड करेगा कि उसमें दूसरे तरह के खर्चे हो जाते हैं. वो रेट्रोफिटिंग एक तरह से हम बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसमें हम किस तरह से जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करके, उसको हटा करके नई टेक्नोलॉजी उसमें लाएं. तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू वो भी है जो कि हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं. लोन्स कितने सस्ते हो सकते हैं? हाँ, अभी हमने मेंशन नहीं किया था, वो करीब करीब 25-50 बेसिस पॉइंट्स, जो 0.25% से लेकर के 0.5% तक,
हम रियायत देते हैं टू दी पीएलआई, टू द बैंक्स एंड एचएफसीज, पार्ट ऑफ विच वो ट्रांसफर करते हैं टू द अल्टीमेट बायर। आखिरी सवाल आशुतोष, ये बताइए, ग्रीन होम्स खरीदने के लिए तो एक प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन रीसेल में क्या मुझे कोई प्रीमियम मिल सकता है? देखिए कि अगर आपके स्टेक्स हाई है लग्जरी होम्स या हाई एंड प्रोजेक्ट्स में, हमने देखा है कि अवेयरनेस ज़्यादा है ग्रीन होम्स का, और बायर्स इन दिस कैटेगरी आर विलिंग टू पे प्रीमियम। जो मिडिल इनकम हाउसिंग है या मास हाउसिंग है, वहाँ पे ये अवेयरनेस अभी धीरे धीरे आ रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं ये समझता हूँ कि पीपल विल प्रिफर ग्रीन होम्स, क्योंकि एक बार अपफ्रंट पेमेंट मार्जिनली आप ज़्यादा करने से आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट यदि कम होती है तो इट्स अ वेलकम सिचुएशन। हालांकि ये अवेयरनेस थोड़ा और आना है मार्केट में अबाउट द ऑपरेटिंग कॉस्ट बेनिफिट्स। वैल्यू होम्स में शायद आने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि वहाँ पे इट्स अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो कुछ ₹100 का डिफरेंस ऑन अ पर स्क्वायर फुट लेवल आपकी डिसीजन हाँ या ना में बदल सकता है। बट MIG और HIG में मैं समझता हूँ कि जरूर प्रीमियम मिलेगा। वर्मा जी, आशुतोष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये तो हुआ ग्रीन होम्स खरीदने की बात, आगे देखेंगे कैसे आप बना सकते हैं अपने मौजूदा मकान को एक इको फ्रेंडली ग्रीन होम, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी में। अब तक हमने रियल एस्टेट टीवी में देखा कि कैसे ग्रीन होम्स की खरीदारी से आप अपनी बिजली पानी की खपत कम कर सकते हैं और साथ ही कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कुछ ऐसे टिप्स जो आपके मौजूदा मकान को बना सकते हैं ग्रीन होम। जब बात पर्यावरण की हो तो सबसे पहले शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। तो अगर आप अपने घर को इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो बस कुछ बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले तो बिजली बचाएं। अपने घर में पावर सेविंग रेटिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ही लगाएं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस 10 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो उसे फौरन बदल लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बिजली कंज्यूम करके आपके बिजली के बिल को बस बढ़ाएगा ही, घटाएगा बिल्कुल भी नहीं। पानी बचाएं। एक आम फ्लश टैंक वाला टॉयलेट साल भर में करीब 3.5 गैलन पानी का इस्तेमाल करता है। अपने घर में लो फ्लो वाला टॉयलेट लगवाएं। बाजार में आपको वॉल्व बेस्ड फ्लश टैंक्स मिल जाएंगे जो पानी की बचत करते हैं, जिससे आप टॉयलेट में होने वाले पानी के कंजम्पशन को आधा कर सकते हैं। ऐसे ही टैंकलेस वाटर गीजर्स भी इंस्टेंट गर्म पानी देने के साथ साथ पानी की बचत भी करते हैं। इसके अलावा घर में रोशनी का सही ध्यान रखें। बड़ी बड़ी खिड़कियां बनवाएं, इससे घर में रोशनी भी ज्यादा आएगी, साथ ही एयर सर्कुलेशन घर को ठंडा रखेगा, जिससे आप बिजली भी बचा पाएंगे। इसके साथ ही घर में CFL लाइटिंग का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, जो ड्यूरेबिलिटी और एनर्जी कंजम्पशन के मामले में काफी किफायती पड़ते हैं। घर में हमेशा लेड फ्री पेंट या इको फ्रेंडली पेंट्स का ही इस्तेमाल करें। ये पर्यावरण और आपकी सेहत दोनों के लिए बेहतर होते हैं और कीमत के मामले में बस 19-20 का अंतर होता है। घर का नक्शा इको फ्रेंडली बनवाएं। घर के नक्शे में वास्तु के साथ साथ इको फ्रेंडली चीजों का भी ध्यान रखें, जैसे सूरज की रोशनी के हिसाब से खिड़की दरवाजे या मौसम के लिहाज से लॉन की पोजीशन, साथ ही किचन टॉयलेट जैसी जगहों में वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए ज्यादा नेचुरल उपाय रखने की कोशिश करें। घर के इंटीरियर्स में शीशम, टीक या ओकवुड के बजाय बैम्बू या बांस का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि किसी भी हार्डवुड के मुकाबले बांस ज्यादा जल्दी उगता है और मजबूत भी होता है। बिजली के लिए किसी अल्टरनेट एनर्जी सोर्स का भी इंतजाम कीजिए, जैसे सोलर पैनल या विंडमिल। इससे बिजली की खपत भी कम होगी और पावर कट्स वाले इलाकों में मुफ्त में बिजली भी मिलेगी। तो बस इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाएं और अपने घर को इको फ्रेंडली बनाएं। इसी के साथ लेंगे आपसे विदा। आप सबको टीम CNBC आवाज की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। रियल एस्टेट टीवी में आपकी प्रॉपर्टी की खरीदारी और निवेश को आसान बनाने पर हमारा फोकस बना रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन आप भी हमें लिख भेजिए कैसा लगा आपको हमारा शो, किन मुद्दों पर हमें चर्चा करना चाहिए। हमसे आप ट्विटर और फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, लिंक्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेंगे। और हमारे पुराने एपिसोड आप YouTube के CNBC आवाज चैनल पर
दोबारा देख सकते हैं। तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रियल एस्टेट टीवी।